हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के गेम प्ले में आपको देखने को मिलेगी एक बहुत ही शानदार देसी इंडियन कार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो की। दोस्तों स्कॉर्पियो मिलेगी आपको आज देखने को। अभी तक आपने वेस्ट टाउन में बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी, हमर, फरारी वगैरह वगैरह, लेकिन आज आप देखेंगे देसी इंडियन फरारी कार, मतलब स्कॉर्पियो। जी हाँ दोस्तों, अपने देश की इंडियन स्कॉर्पियो देखने को मिलेगी आज आपको इस गेम प्ले में। अभी हमारे पास कॉल आया था टिप्सन दादा का, और टिप्सन दादा ने हमें जल्दी से बुलाया अपने पास। तो दोस्तों हमने लगा दिए छलांग विथ पैरासूट, और अब हम डायरेक्ट पहुँचेंगे टिप्सन दादा के पास और पूछते हैं उनसे कि क्या काम आया है। अरे आओ छोटे, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यार। जी टिप्सन दादा, बताइए कैसे याद किया आज आपने। अरे यार छोटे, क्या बताऊं तुझे, मैंने एक बंदे को, एक फिल्म डायरेक्टर को पैसे दिए थे 3 करोड़ रुपए, और वो अब ना ही तो मेरा फ़ोन उठा रहा है। ये देख, मैं बार बार उसे फ़ोन लगाऊं तो फ़ोन भी नहीं उठाता है, और जब भी उठाता है सिर्फ धमकी ही देता है यार। अच्छा जी। हाँ छोटे, पैसे लेते वक्त तो उसने कहा था कि मैं कुछ ही दिनों में वापस लौटा दूंगा, लेकिन अब तो बहुत गुस्सा दिखाता है यार। पैसे मांगते हैं तब हमेशा लड़ाई करता है। ठीक है टिप्सन दादा, मैं सब समझ गया, अब आप टेंशन मत लो, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे दिवाली का बोनस नहीं मिला यार। टिप्सन दादा क्या कर रहे हो आप, मैं आपके इतने मिशन करता हूँ और आपने मुझे अभी तक दिवाली का बोनस तक भी नहीं दिया यार, कुछ करो टिप्सन दादा। छोटे तू बस मेरा ये लास्ट काम कर दे, मैं तुझे बहुत अच्छा बोनस दूंगा दिवाली का, तेरी फेवरेट कार दूंगा, ये ले अभी बुकिंग कराता हूं। अरे वाह टिप्सन दादा, ठीक है फिर मैं भी अभी उस गुंडे की बैंड बजा के आता हूं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं टिप्सन दादा के मिशन पर, फिर मिलेगी हमें हमारी फेवरेट कार। वैसे मैंने टिप्सन दादा को बता रखी है मेरी फेवरेट कार स्कॉर्पियो है, और पता नहीं दोस्तों ये एक सस्पेंस रह गया यहाँ पे। मैंने पूछा नहीं टिप्सन दादा से कि कौन सी गाड़ी है यार, वो खुद के प्यार से जो गाड़ी देंगे उन्हें भी पता होगा मुझे कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी लगती है। मैंने उन्हें पहले से बता रखा है स्कॉर्पियो मेरी सबसे फेवरेट है, लेकिन पता नहीं वो कौन सी देंगे, तो चलो उसका बाद में पता चल जाएगा। दोस्तों जब गाड़ी मिलेगी हमें, पहले हमें उस गाड़ी के लिए करना होगा मिशन। तो चलते हैं जल्दी से उस लोकेशन पर जो टिप्सन दादा ने हमें बताई है। दोस्तों क्या शानदार नज़ारा होगा ना जब आपका भाई लेके चलेगा स्कॉर्पियो वाइस टाउन की गलियों में। दोस्तों क्या शानदार देखने वाला सीन होगा यार, बहुत, मैं तो मतलब मोस्ट अवेटेड कार है मेरे लिए स्कॉर्पियो यार, पता नहीं कब मिलेगी टिप्सन दादा, शायद वही दिला लो। चलो पहले तो लोकेशन देख लेते हैं यार, मैंने लोकेशन ही नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। अच्छा तो ये लोकेशन है दोस्तों, तो हमने लोकेशन देख ली है। दोस्तों जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पर, हम रॉन्ग डायरेक्शन में आ गए थे, इधर नहीं आना था, वहीं से शॉर्टकट मिल जाता, लेकिन कोई नहीं, लॉन्ग टर्न हो गया। चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं, वेट नहीं कराना आपको, जल्दी से लोकेशन पर पहुंचकर, मुझे भी यार इंतजार है स्कॉर्पियो का, तो जल्दी से स्कॉर्पियो लेनी है तो जल्दी वहां पहुंचना होगा, गुंडों का सफाया करना होगा, उस फिल्म मेकर को धूं धूं धूं, उसकी तो मैं हालत ख़राब कर दूंगा यार पीट पीट के। तो चलो दोस्तों यहीं आस पास में है यार, कहाँ है, यहाँ नहीं यार, इधर तो नहीं होगा, चलो दूसरी साइड लेते हैं एक बार। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि हाँ उस गुंडों को पकड़ पकड़ के पीटेंगे, हाँ यही है लोकेशन, यही है, ये रहा ये रहा दोस्तों, यही है वो फिल्म मेकर सिनेमा हॉल के नीचे, ये सिनेमा हॉल भी इसी का है शायद, काफ़ी पैसे ऐड रखे हैं इसने लोगों से यार, ले लेता है फिर देता नहीं है, दादागिरी दिखाता है। हाँ भाई चैंपांजी, तू ये वो फिल्म मेकर जिसने टिप्सन के पैसे ले रखे हैं? ओ अच्छा नीरे पकोड़े, तुझे टिप्सन ने भेजा है क्या? अबे वो खुद तो आता नहीं है, डरपोक तुझे भेज दिया, चल कोई ना, बता क्या काम है तुझे मुझसे? अबे चैंपांजी मुझे तुझसे क्या काम होगा, मुझे तो टिप्सन ने भेजा है तेरी धुलाई करने के लिए, तेरी हड्डियां तोड़ के जाऊंगा मैं। अबे नीले पकोड़े तू मेरी जगह आके मुझे ही डरा रहा है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे आदमी है, तुझे उनसे लड़ना होगा, मुझ तक पहुंचने से पहले तुझे उनके साथ फाइट करनी होगी, अगर तू उनसे जीतेगा तभी तो वो तेरा कीमा बना देंगे, तू अंदर तो जा एक बार। अबे चैंपांजी से सकल के तू समझता क्या है, तू अपने आदमी को भेज, मैं उन्हें तो पीटूंगा ही, तुझे भी उनसे बुरा पीटूंगा, समझा, भेज तेरे आदमियों को, अभी देखता हूँ। अबे अंदर जा नीले पकोड़े, वो तुझे अंदर ही देख लेंगे। अच्छा चल देखता हूँ अंदर जाके, कहाँ है कहाँ है, आओ सालो कुत्तो सारे एक साथ आ जाओ, सबको अभी बताता हूँ मैं, एक एक को मार दूंगा, तलवार से काट दूंगा, आ जा तू भी आ, और बस दो ही थे क्या, अरे गोली चला रहा है बंदूक, अबे सालो हथियार लेके आ रहे हो सारे जने, रुको तू भी मर, ये ले ये खा फटका, और कोई बचा है,
कोई नहीं है, सारे मर गए क्या? अरे यार इसकी गैंग में तो लड़कियां भी है। भाई ये तो गन ले लेके आ रहे हैं यार, मशीन गन है दोस्तों इनके पास तो। लेकिन कोई नहीं, सुपर हीरो से ज़्यादा पावरफुल यहाँ कोई नहीं है। अबे बुड्ढा बुड्ढा भी था इनकी गैंग में। अबे तू आ, तू ले, तू भी ले। अबे बुड्ढा फिर से खड़ा हो गया यार, इन बुड्ढों का यही नाटक है, साले नौटंकी करते हैं, मरते भी नहीं है एक बार में, बेहोश होने का नाटक करते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। चलो दोस्तों, तो मार दिया हमने सबको, सबको मारने के हमें $17,000 भी मिले हैं। चलो दोस्तों, बहुत सारा पैसा हो गया हमारे पास। अब नहीं है कोई भी दोस्तों, देख लेते हैं एक बार आगे चल के कहीं बच रहे हो एक दो गुंडे उसके। कोई भी नहीं बचा है दोस्तों, हो गया है सबका काम तमाम, हमें 500 और मिले हैं। चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। अब उस चैंपियनजी की बारी, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझे नीला पकौड़ा कहा, इसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ये ले बेटा, एक लात का थानी और जोर इतना दिखा रहा था। हट, और ये क्या, पुलिस भी आ गई। यार ये पुलिस तो हमेशा इन जैसे गुंडों से ही मिली हुई होती है, इसीलिए तो मैं इनकी इतनी धुलाई करता रहता हूँ। चलो जल्दी से यहाँ से भागना होगा दोस्तों, और चलते हैं जल्दी से किप्सन के पास, वरना ये पुलिस वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिले हुए हैं ये सारे उसी में, तो चलो जल्दी से पुलिस को देना होगा चकमा। किधर से निकलेंगे, किधर से निकलेंगे यार, ये गाड़ी भी काफ़ी फास्ट चलती है, लेकिन स्कॉर्पियो लेके मैं जब भागूंगा ना इन सड़कों से, मज़ा ही कुछ और होगा यार। जल्दी से किप्सन दादा, बस मुझे गिफ्ट में स्कॉर्पियो ही दे दे यार, मैंने अभी तक उनसे पूछा भी नहीं है कौन सी गाड़ी देने वाले हैं वो, लेकिन शायद जहाँ तक मुझे लगता है वो स्कॉर्पियो ही देंगे। तो दोस्तों आई विश स्कॉर्पियो ही दे वो मुझे। अरे यार इधर भी पुलिस है यार, ये पुलिस तो यार भागने नहीं दे रही यार। ये टिप्सन दादा का फ़ोन भी आ रहा है, और ऊपर से गाड़ी भी पलट गई, और ये ना भाई मर गया मैं तो समुंदर में यार, इतनी सर्दी और ठंडा पानी, मर गया भाई मर गया मैं। अबे जल्दी से बाहर निकल, सर्दी लग रही है इतने ठंडे पानी में, सर्दियों में मैं वैसे ही नहीं नहाता यार, तूने समुंदर में कुदा दिया मुझे। अबे टिप्सन क्या कहाँ पहुँचा दिया यार मेरे को, पुलिस भी पीछे लगी हुई है और समुंदर में मेरी तो हेल्थ कम हो गई बे। चलो जल्दी से निकलते हैं दोस्तों बाहर, पुलिस नहीं है यहाँ पे आसपास में, मैप में तो दिखाई नहीं दे रही। और जल्दी से चढ़ जाते हैं उस पुल पे, फिर चलते हैं टिप्सन दादा के पास। अरे यार पुलिस आ गई यार, यहाँ कहाँ से पुलिस की गाड़ी आ गई यार, वो रही वो अभी आ गई, चल नीचे। ये यार फिर से सिर में लगी और पानी में गिर गया मैं यार, मर ना जाऊँ यहीं, ऊपर पुलिस है नीचे ठंडा पानी, भाई हालत ख़राब है, समुंदर में हूँ उस वक्त, सांस भी नहीं आ रहा है और हेल्थ धड़ाधड़ कम होती जा रही है, यहीं मर जाऊंगा क्या। अबे बाहर निकालो मुझे जल्दी से, भाई निकल ही नहीं रहा, किधर से रास्ता ही नहीं दिख रहा, बहुत गहरा चला गया मैं तो। अबे पुल के नीचे हूँ क्या? हाँ दोस्तों निकल गया, निकल गया यार, अब तो मैं बाहर आ जाऊंगा जल्दी से, और सीधा टिप्सन दादा के पास जाके अपना दिवाली का बोनस, मिशन करने का बोनस सारे एक साथ लूंगा यार। एक तो सर्दी लग गई, चल के पहले तो हीटर के सामने बैठना पड़ेगा कुछ देर, फिर लेंगे टिप्सन दादा से अपना दिवाली बोनस। यहाँ दोस्तों अपनी फेवरेट कार तो हमने लगा दी है, कार की जोश जोश में छलांग बिल्डिंग से, और पैरासूट ओपन कर लिया दोस्तों। अब हम डायरेक्ट अपने घर पे ही जाके उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से घर के पास पहुँचना है हमें, घर पे पहुँचना है, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा स्कॉर्पियो का, काफ़ी देर हो गई यार, हमने मिशन भी कर दिया है स्कॉर्पियो के लिए, अब तो स्कॉर्पियो मिलनी ही चाहिए दोस्तों। तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। अरे आओ छोटे आओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे ये तो टिप्सन दादा की आवाज़ है, टिप्सन दादा, ओ मेरी फेवरेट कार दोस्तों स्कॉर्पियो, ये रही दोस्तों स्कॉर्पियो। थैंक यू टिप्सन दादा, आपको पता था, मुझे भी लग रहा था कि टिप्सन दादा जरूर मुझे मेरी फेवरेट कार स्कॉर्पियो ही देंगे। यार क्या बात है टिप्सन दादा, यही है ना मेरा गिफ्ट, यही है ना बोनस। अरे हाँ छोटे हाँ, ये स्कॉर्पियो मैं तेरे ही लिए गिफ्ट लाया हूँ यार, मुझे पता है ये तेरी फेवरेट कार है, तभी तो इसे ही ऑर्डर किया मैंने, और डायरेक्ट देख तेरे घर ही लेके आया हूँ। वो थैंक यू टिप्सन दादा, थैंक यू सो मच, मुझे स्कॉर्पियो बहुत अच्छी लगती है यार, लेकिन आप ये तो बताओ इन पुलिस वालों को क्यों लटका रखा है ऊपर हवा में। अरे यार छोटे, एक तो मैं नई गाड़ी लेके आया हूँ, और ऊपर से ये लोग पूछ रहे हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट कहाँ है, अब बता इन्हें गाड़ी के कागज RC दिखाओ, नंबर प्लेट दिखाओ यार, अभी तो गाड़ी खरीदी है हमने, अभी कहाँ से नंबर आ जाएंगे, लटका दिया सालों को। सही किया टिप्सन दादा, इनके साथ यही होना चाहिए, इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है क्या नई गाड़ी का। चलो छोड़ो टिप्सन दादा,
मुझे बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी यार, आप मेरे लिए स्कॉर्पियो लेके आए हो टिप्सन दादा, थैंक यू सो मच। इससे अच्छा दिवाली बोनस कुछ और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यही थी हमारी स्कॉर्पियो कार जो टिप्सन दादा ने हमें गिफ्ट की है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है ये भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।